बांदा में घर में सो रही बच्ची को जहरीले कीड़े ने काट लिया। जब परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टरों ने देखते ही बच्ची को मृत घोषित कर दिया। डॉट मामला मरका थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव का है, जहां नैना देवी पुत्री मोहनलाल निषाद उम्र 11 वर्ष निवासी हरिपुर थाना मरका खेतों में बकरी चराने गई थी। बकरी चराकर वापस घर आई, इसके बाद नीचे जमीन पर सो गई। उसी दौरान बाएं पर में जहरीले कीड़े ने काट लिया, जैसे बच्ची ने परिजनों को बताया तो परिजन पास पड़ोस के गांव में झाड़ फूंक करवाने लगे। स्थिति बिगड़ने लगी तो परिजनों ने बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा प्रशिक्षण करने के बाद नैना को मृत घोषित कर दिया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मरका थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मोहनलाल यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बच्ची को लाए हैं, क्या है मामला? बिटिया गई थी बकरी चराने, बकरी चरा करा कर नहा कर खाना खा कर घर में सो गई थी। सोते समय सांप ने काट लिया, सांप काट लिया तो फिर इसके बाद झाड़ फूंक कराए, झाड़ फूंक करा के फिर हम दवाई करवा दी। तो दवाई करवाते समय आया तो फिर यहाँ ख़त्म हो गई। डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित। कौन सा गाँव है आपका? है हरिपुर। हरिपुर, क्या नाम है आपका? मोहनलाल। बच्ची कौन है आप? पिता नैना, डॉक्टर राव मोहनलाल। एक बच्ची को लाया गया था जिसकी उम्र लगभग 11 साल थी। उसकी रात जब लाया गया है उसी समय उसकी मृत्यु पहले से हो चुकी थी और परिजनों ने बताया कि सर्पदंश से मृत्यु उसकी हुई है। उसका पल्स बीपी वगैरह सब देखा तो कुछ नहीं था और पुलिस को सूचना इसके संबंध में भेज दी गई। पुलिस अपने आवश्यक कार्रवाई।